नमस्कार नमस्कार दोस्तों, ஆனரபிள் பிரைம் மினிஸ்டர் ஜி வணக்கம். வணக்கம். ஐ அம் நீலானந்த், ஸ்டடிங் 12th ஸ்டாண்டர்ட் இன் விவேகானந்த கேந்திர வித்யாலயா மெட்ரிக் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் கன்னியாகுமரி. டியர் சார், டியூரிங் திஸ் பேண்டமிக் சிச்சுவேஷன் ஆஃப்டர் த ஆன்லைன் கிளாஸஸ் வி ஆல் கெட் மோர் ஃப்ரீ டைம் தேன் யூஷுவல். ஐ வுட் லைக் டு நோ ஹவு கேன் வி மேக் த பெஸ்ட் யூஸ் ஆஃப் அவர் ஃப்ரீ டைம். மை தேங்க்ஸ் டு அவர் ஆனரபிள் பிரைம் மினிஸ்டர் ஃபார் கிவிங் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. காலி சமய இஸ்கோ காலி மத் சமஜியே, ये खजाना है खजाना. खाली समय एक सौभाग्य है, खाली समय एक अवसर है. आपकी दिनचर्या में खाली समय के पल होने ही चाहिए, वरना तो जिंदगी एक रोबोट जैसी हो जाती है. दरअसल खाली समय दो तरह के हो सकते हैं. एक जो आपको सुबह से ही पता है कि आज आप 3 से 4 बजे तक फ्री हैं, या आने वाले रविवार को आप आधा दिन फ्री हैं, या आप 4 तारीख को छुट्टी है, आप दोपहर तक आपके पास कोई काम नहीं, आपको पता है. लेकिन दूसरा वो जिसका पता आपको लास्ट मोमेंट में चलता है. अगर आपको पहले से ही पता है कि मेरे पास खाली समय है, तो आप अपने पेरेंट्स या अपने बहन भाई से कह सकते हैं कि मैं आपकी हेल्प करूंगा. आपको क्या काम करना है, आप क्या कर रहे हैं, मैं क्या हेल्प कर सकता हूं. दूसरा, आप सोचें कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको खुशी देती हैं. थोड़ा भारी भरकम शब्द है स्वांतः सुखाय, जिसमें से आपको सुख मिलता है, आपको आनंद मिलता है, आपके मन को बहलाती है. आप ऐसा भी कुछ कर सकते हैं. फ्री टाइम का एक और बेस्ट यूज हो सकता है कि आप कुछ गतिविधियों से अपने आप को जोड़ें, जिसमें आप को एक्सप्रेस कर पाए, आपकी यूनिकनेस को बाहर ले आ सके, जिसमें आप अपनी इंडिविजुअलिटी से जुड़ सके. ऐसा करने के बहुत से तरीके हैं और आप भी ऐसे बहुत से तरीके जानते हैं. स्पोर्ट्स हैं, म्यूजिक है, राइटिंग है, पेंटिंग है, स्टोरी राइटिंग है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं. अपने थॉट्स को, इमोशंस को एक्सप्रेस करने का एक क्रिएटिव तरीका दीजिए, अवसर दीजिए. नॉलेज का दायरा कई बार वहीं तक सीमित होता है जो आपको उपलब्ध है, जो आपके आसपास है. लेकिन क्रिएटिविटी का दायरा नॉलेज से भी बहुत दूर तक आपको ले जाता है, बहुत विस्तार के फर्क पर ले जाता है. क्रिएटिविटी आपको उस क्षेत्र में ले जा सकती है जहां पहले कभी कोई नहीं पहुंचा जो नया हो. हमारे यहां कहा जाता है, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि.